हैं क्योंकि मैं 90s एरा में ही काम किया हूँ। मैंने जतिन ललित जी के साथ काम किया है और बड़े खूबसूरत गाने बने हैं, और समीर जी ने लिखा था उस वक्त भी और लिखते हैं। और अलका जी को मैं तब से जानता हूँ, जतिन ललित जी के ज़माने से, और अभी मैं अलका जी के साथ 15 साल से जुड़ा हूँ। मैं उनको मैनेज भी कर रहा हूँ, मेरी कंपनी कर रही है, और आनंद मिल जी भी मेरे कंपनी में ही है। तो जब म्यूज़िक लेबल शुरू हुआ था तो हमने डिसाइड किया था कि मैं अच्छे अच्छे गाने करूँगा, और पहले दो गाने रिलीज़ हुए थे जो एक डांसिंग नंबर थे और एक दूसरा लव सॉन्ग था। फाइनली आनंद मिलिन जी से डिस्कशन हुआ कि गाना करना है, और समीर दादा से बात हुई, और फिर ये डिसाइड हुआ कि 90s फ्लेवर का गाना करेंगे। और मैंने अलका जी को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे कंपनी में गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। इनफैक्ट दो गाना उन्होंने किया है, अभी एक नेक्स्ट सॉन्ग हम रिलीज कर रहे हैं उदित नारायण जी के साथ में। तुरंत ही बोला। और फिर मैंने फ्रेंड है मकरन जी, बहुत ही अच्छा है, मैं उनको जानता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मकरन जी जब आप गाते हैं ना तो आप एकदम नाभि से गाते हो, मतलब इतनी खूबसूरत आवाज है, किशोर दा को फॉलो करते हो। तो मकरन जी और अलका जी का कॉम्बिनेशन बना, आनंद मिलिन जी ने बहुत ही अच्छा म्यूजिक कंपोज किया और समीर जी ने लिखा, तो जाके ये गाना तैयार हुआ। और गाना बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा चल रहा है, मोर देन 1 मिलियन क्रॉस कर गया है, होपफुली और अच्छा होगा। थैंक यू अलका जी, इट्स सो मेस्मराइजिंग टू हियर यू सिंग ऑल द टाइम। हाउ नॉस्टैल्जिक वाज इट फॉर यू टू बी टेकन बैक, ट्रांसपोर्टेड बैक टू द 90s बाय सिंगिंग दिस मेलोडी? या इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक, बिकॉज़ सबसे बड़ी खुशी मुझे ये थी कि आई एम वर्किंग विद द सेम टीम, आनंद मिलन, समीर जी, और ऑफ कोर्स मकरन जी वाज अ न्यू एंट्री इन द टीम। बट तो वो जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे पहले, जो माहौल था वही माहौल बहुत सालों बाद यहाँ मुझे महसूस हुआ। और हम लोगों का कंफर्ट लेवल इतना है सालों से, और मतलब हम लोग हंसते खेलते पिकनिक की तरह हो जाता है काम, उसमें कुछ डिस्कम्फर्ट या कोई भी तरह की झुंझलाहट कुछ नहीं होती। तो इट वाज वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक एंड आई होप ये सिलसिला चलता रहे। समीर जी, जब आप इंडस्ट्री में आए थे ऐसा एक सपना देखा था कि एक दिन आपका नाम इंडस्ट्री का वर्ल्ड फर्स्ट में आ जाएगा? मैं तो सबसे पहले डर रहा था कि नीरज कहीं ये नहीं बोल दे कि मैं बचपन से आपके गाने सुनता आ रहा हूँ। और अच्छा हुआ तुमने भी ये नहीं बोला, नहीं तो बड़ी घबराहट होती, उम्र का एहसास होने लगता। नहीं, मैंने ये बोला कि जतिन ललित के समय से हम लोग मगर बिल्कुल कभी नहीं सोचा था जिंदगी में। गिनीज बुक की तो बात छोड़ो, मैं तो यहाँ केवल एक गाना लिखने का सपना लेके आया था कि अगर एक गाना लिखूं और रेडियो सिलोन में बज जाए तो मैं समझूंगा यार मेरी जिंदगी में जो अचीव करना था मैंने कर लिया, और जो कुछ किया मैंने नहीं किया कोई और ताकत थी जिसने करवा लिया। और हम सारे लोग जो हम क्रिएटर्स होते हैं, हमारी सारी बात जो है वो सब उस पर डिपेंड करती, इसीलिए लोग बोलते हैं कि वी आर गॉड गिफ्टेड, तो कहीं वही करवाता है और उसने करवा लिया सब हो गया। मैं तो जिंदगी में कोई कुछ एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं मुझे, मैं बिना लक्ष्य के आगे बढ़ रहा था, केवल एक ही जुनून था कि मुझे काम काम और काम करना है। नीरज ने जब रिक्वेस्ट किया आपके म्यूजिक के लिए तो बहुत खुशी हुई, और आनंद मिलिंद और अलका और हम लोग जब जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता काम करने के लिए जुड़ते हैं, काम तो हम लोग 5-10 मिनट करते होंगे, 1.5 घंटे तो गपशप होती है। इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी बातें हैं कि कहानी के बाद कहानी, कहानी के बाद कहानी चलती रहती है। मकरन जी की आवाज़ सुन के मैंने इनके स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कुछ सुना था, मगर पहली बार इनको यहाँ गाते हुए देखा और जब एक गाना मैंने सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। एक सबसे अच्छी बात जो इनकी लगी कि जो भी इनकी आवाज़ है, जिस तरह की भी इनकी आवाज़ है, उसको इन्होंने दिल से गाया है। आपको देख के वीडियो में लगता है उन्होंने एक एक शब्द को, पूरी कंपोजिशन को इंजॉय किया है। तो जो काम आप इंजॉय करके करते हैं वो काम अच्छा ही होता है। तो मेरी बड़ी बधाई है और मैं सबको दुआ करता हूँ कि आप लोग इसको पसंद करें और इस पूरी टीम को आगे लेके जाए। आनंद जी, 60 से 90 के दशक का पीरियड एक मेलोडी था, गाने अभी भी याद करते हैं, वो आज के गानों में मेलोडी क्यों मिसिंग है, क्या वजह आपके साथ? पता नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारे कारण होंगे। एक तो बहुत से लोग कहते हैं कि टू मच ऑफ इंटरफेरेंस, क्योंकि 60s का आपने जिक्र किया तो तभी मेरे पिताजी चित्रगुप्त जी, ही वॉज वेरी एक्टिव, तो वो उनके ज़माने में मैंने कभी म्यूजिक सिटिंग
देखी नहीं थी। डायरेक्टर आके फिल्म डिस्कस कर लेता था और सिचुएशन मोटा मोटी, उसके बाद सीधे रिकॉर्डिंग में सुनते थे वो लोग। देयर वाज नो म्यूजिक सेटिंग कि मैं गाना पास करूंगा और फिर वो गाना रिकॉर्ड होगा। तो एक बहुत मेजर चेंज वो हो गया। और दूसरा, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिजिटलाइजेशन, यू नो बहुत से लोग हैं वो जिसको कहते हैं मंच के नहीं आते हैं, मतलब आपको यू हैव टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, यू नो यू शुड हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक एंड देन यू शुड एंटर। तो कंप्यूटर तो क्या है कि कोई भी ऑपरेट कर लेता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आज ये हो गया कि कंप्यूटर आपको ऑपरेट कर रहा है, होना उल्टा चाहिए। तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। मकरन जी, वंडरफुल सिंगिंग, किशोर दा का कितना छाप है आपके हिसाब से इस गाने में? बस ये गाना जब मैंने गाया तो मैंने पूरा ओन वॉइस, बोलते हैं ना आपको वो नजर आएगी, लेकिन मैं जब स्टेज पे गाता हूँ तब किशोर दा की वॉइस में गाता हूँ, गाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि किशोर दा का गाना गाने के लिए मुझे 10 जन्म देने पड़ेंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि किशोर दा के स्टाइल में योडलिंग करूँ या करूँ। लेकिन ये गाना जो जब दिया और इतनी अच्छी टीम मिली, एक मेरा जो सपना था तो स्टेज पे गाता था, और समीर जी, आनंद मिलिंद जी और अलका जी, कभी मैंने सपने में भी सोचा नहीं था कि अलका जी के साथ मेरा डुएट होगा। सपने जो देखे थे नहीं देखे थे, आज सच हो गए, सच हो गए, सच हो गए, सच हो गए। तो वो सच हो गया। और जैसे समीर जी ने बताया कि ये कोई पावर रहती है, ये सब टीम जमा के काम होता है और एक अच्छा काम होता है। बस मुझे खुशी है। और नीरज जी से पहले बात हुई थी, तभी नीरज जी ने बताया था कि आप अच्छा गाते हो, मैं कभी मौका आएगा तो आपको जरूर गवाऊंगा, और उन्होंने अप्रोप्रिएट मुझे सिलेक्ट किया और ये मौका मिल गया। थैंक यू वेरी मच। अलका जी, जाने से पहले कुछ गुनगुना सकती हमारे कैमरे के लिए? क्या गुनगुनाओ? सपने जो देखे थे प्यार में सच हो गए, आंखों से आंखें मिली कुछ हुआ दिल खो गए, कर लिया फैसला कभी ना होंगे जुदा, कर लिया फैसला कभी ना होंगे जुदा।